ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित। 10वीं में 74 और 12वीं में 79% से अधिक परीक्षार्थी उत्तीर्ण। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान घायल। और दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज जारी कर दिए गए। 10वीं में करीब 74% और 12वीं में 79% से अधिक बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मंडल के सभागृह में हाईस्कूल परीक्षा और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 के परिणाम जारी किए। आज जारी प्रावीण्य सूची के अनुसार 12वीं की परीक्षा में रायगढ़ जिले की कुंती साव पहले स्थान पर रही। कुंती ने 98.20% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं बिलासपुर की खुशबू वाधवानी ने दूसरा और जांजगीर चांपा जिले के जयपुर की रेणुका चंद्रा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं 10वीं की परीक्षा में रायगढ़ जिले की सुमन पटेल और कांकेर जिले की सोनाली बाला ने 98.67% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं कवर्धा जिले की आशिफा शाह, राजनांदगांव जिले की दामिनी वर्मा, बिलासपुर जिले के जयप्रकाश कश्यप, रायगढ़ जिले के मुकेश अग्रवाल, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की काहिफ अंजुम और कांकेर जिले के कमलेश सरकार ने 98.17% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जबकि महासमुंद जिले की मीनाक्षी प्रधान, राजनांदगांव के कृष कुमार, जांजगीर चांपा जिले की गीतू चंद्रा और कोंडागांव जिले की हर्षिका चौरड़िया ने 98% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। परिणाम घोषित करने के साथ ही 10वीं और 12वीं परीक्षा की प्रावधिक प्रावीण्य सूची भी जारी कर दी गई है। 12वीं की प्रावीण्य सूची में 22 और 10वीं की प्रावीण्य सूची में 71 विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in और result.cg.nic.in पर विद्यार्थी अपने परिणाम देख सकते हैं। परिणाम जारी करने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने सफल विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने असफल विद्यार्थियों से कहा कि वे दोबारा मेहनत करें तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने परीक्षा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकने वाले विद्यार्थियों को भी बिना निराश हुए धैर्य और मेहनत के साथ निरंतर प्रयास करने को कहा है। रायगढ़ जिले के ललुंगा और सरगुजा जिले के लुंड्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इसी शिक्षण सत्र से प्रारंभ किए जाएंगे। दोनों विद्यालयों में 60-60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। आदिम जाति विकास मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को ड्रॉपआउट बच्चों के लिए रायपुर के सड्डू में कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा। इस कोचिंग सेंटर में एकलव्य विद्यालयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी। वहीं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अब अनुसूचित जनजाति की विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। डाक विभाग को मिलने वाली शिकायतों का त्वरित निराकरण के उद्देश्य से भारतीय डाक विभाग के रायगढ़ संभाग द्वारा 19 मई को अधीक्षक डाकघर में वर्चुअल डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं से काउंटर सेवा, बचत बैंक, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, डाक जीवन बीमा सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके तहत राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, परिवार न्यायालय के पारिवारिक विवाद, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी जनउपयोगी लोक अदालत के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत विभाग और राजस्व से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया गया। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए राज्य शासन ने श्रम विभाग को पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में श्रम विभाग के सचिव अमृत कुमार खलको को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री खलको ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक आवश्यक न्यूनतम दस्तावेजों के साथ पोर्टल में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। इनके लिए पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीडीएस डाटाबेस का उपयोग कर श्रमिक पंजीकरण का कार्य अब ऑनलाइन किया जा रहा है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के नेलसनार थाना क्षेत्र के हेमलापारा स्थित 8वीं वाहिनी सी कंपनी की टीम एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। इसी दौरान इंद्रावती नदी के किनारे बंगोली घाट के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए IED में विस्फोट होने से आरक्षक रामनाथ मौर्य के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल जवान को स्वास्थ्य केन्द्र नेलसनार में प्राथमिक उपचार के बाद दंतेवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं सुकमा जिले के चिंतलनार इलाके से एक इनामी माओवादी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। इस माओवादी पर 1,00,000 रूपये का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर की भर्ती 2021 के तहत दस्तावेज परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण सभी रेंज मुख्यालयों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आज से प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षण तिथि और स्थल की जानकारी प्रवेश पत्र में अंकित की गई है। रेंज के अंतर्गत आने वाले जिलों के अभ्यर्थियों का परीक्षण निर्धारित तिथिवार किया जाएगा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार गर्मी के मौसम में बरती जाने वाली सावधानियों पर केंद्रित रहेगा। इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के सह प्राध्यापक और रजिस्ट्रार डॉ संजय शुक्ला से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून 2022 के आरंभ होने की तिथि का पूर्वानुमान लगाया है। इस बीच छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसका सामान्य जनजीवन पर असर देखा जा रहा है। मौसम साफ होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, वहीं अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व पश्चिम द्रोणिका पश्चिम मध्य प्रदेश से झारखंड तक गुजर रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायपुर जिले के तिल्दा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मानकर पुलिस जांच में जुट गई है। धमतरी जिले में गंगरेल बांध के डुबान क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है। DFO मयंक पांडे ने बताया कि वन विभाग और हाथी मित्र दल के सदस्य इन हाथियों की निगरानी कर रहे हैं और ग्रामीणों से जंगल में न जाने की अपील की जा रही है। राजनांदगांव पुलिस ने परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी निवेशकों को जमा की गई राशि नहीं लौटाने के मामले में एक चिटफंड कंपनी के 2 संचालकों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में मसीही समाज द्वारा कल 15 मई को सभी गिरजाघरों में स्टीवर्टशिप डे यानी भंडारी 15वीं मनाया जाएगा। रायगढ़ जिले के नहरपाली रोड स्थित एक पावर प्लांट में किरण मेंटेनेंस के दौरान अचानक गर्म राख निकलने से एक इंजीनियर और एक सुपरवाइजर गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में रेफर किया गया है। कोंडागांव जिले में केशकाल थाना क्षेत्र के ग्राम बेड़मा के पास ट्रक के अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराने से ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कोंडागांव के चिखलपुटी स्थित CRPF 128वीं बटालियन में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिकारियों सहित 25 जवानों ने रक्तदान किया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित। दसवीं में 74 और बारहवीं में 79% से अधिक परीक्षार्थी उत्तीर्ण। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान घायल। और दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।